मैम आपने लॉकडाउन में सुशांत सिंह जी को, तुम तो इतना अंदर अंदर कहाँ, ये कहाँ से जगह नहीं है, अच्छा जगह नहीं है, काफी सपोर्ट किए थे आप सुशांत सिंह जी को, फिर से रिया चक्रवर्ती को एनसीबी में बुलाया, काफी कॉल्स आए थे उसमें, बहुत सारे में दिख रहे थे लाइक। देखिए मैं सच बोलूं तो रिया, जो इंसान प्यार करता है वो वार कभी नहीं कर सकता। रिया देखिए वो प्रोटोकॉल होता है एनसीबी में बार बार जाने का, फिर वो पूछताछ करते फिर छोड़ देते। प्रोटोकॉल से पूछताछ से डरना नहीं चाहिए इंसान ने। मुझे ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती इनोसेंट है, मुझे ऐसा लगता है। स्टार्टिंग में मैं भी उसके खिलाफ बोली थी, पहले मैं डर गई थी कि क्या कोई प्यार ऐसा कर सकता है। आज मैं आदिल से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आदिल पे वार कभी नहीं कर सकती। आदिल मुझसे प्यार करता है लेकिन आदिल मुझ पर वार कभी नहीं कर सकता। प्यार तो एक खूबसूरत चीज़ है महसूस करने की। प्यार मुझे तो पहले कभी ज़िंदगी में प्यार नहीं होता था, अब मुझे पहली बार प्यार हुआ है आदिल से। पहले तो मेरा सब टाइम पास था, अभी तो रियल सच्चा लव तो मेरा आदिल के साथ ही है। आप टाइम पास क्यों करते हो यार? अरे टाइम पास नहीं, मतलब टाइम पास नहीं था, मतलब वो बचकानी हरकतें थी तब, मालूम नहीं तब। मुझे हमेशा लगता था मैं तो जब पैदा हुई थी तभी भी मुझे स्कूल में मैं प्यार करती थी, मुझे लगा मुझे प्यार हुआ है, लेकिन वो प्यार नहीं था, वो बचकानी हरकत थी। तो मुझे जब जब फील होता मुझे प्यार हुआ, प्यार नहीं होता है, वो बचकानी हरकतें होती है। बारिश अरे मेरे प्यार के बीच में बारिश को क्यों ला रहा है यार, ये बड़ा अनरोमेंटिक है बंदा। छोटे की छोटी बहू, हाँ आदिल मेरा बहुत अच्छा है, आदिल मेरी जान है, आदिल के बगैर मैं जी नहीं सकती। मैं कैसे जिम कर रही हूँ ना मुझे नहीं पता, लेकिन आदिल उधर एकदम मैसूर में गुलछर्रे उड़ा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, मुझे मिस भी नहीं कर रहा है। आदिल तो मुझे मिस क्यों नहीं कर रहे हो, वेयर आर यू, कम बैक होम। इतना बोल दिया क्या मैंने? ओके बाय, विजुअल्स कर लेते थोड़ा। जल्दी आ जाओ, शाहरुख खान कैसे देख रहे हैं भाई, कब आएगा?